हरी मिर्च और प्याज और आम की बहुत ही यूनिक सब्ज़ी। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही तीखी, बहुत ही चटपटी हरी मिर्च और प्याज और आम की सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब होती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बनाते हैं टेस्टी हरी मिर्च आम और प्याज की सब्ज़ी। इसके लिए देखिए, आपको इस टाइप के ये छोटे छोटे वाले प्याज लेने हैं। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि बड़े वाले प्याज नहीं लेने हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने हरी मिर्च लिया है और हरी मिर्च को बहुत ही अच्छे से धो के और कपड़े से सुखा लेना है। और आम को भी मैंने अच्छे से धो लिया है। अब आगे के प्रोसेस में, तो यहाँ पर देखिए, अब हम प्याज को कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्याज को हमको इस तरह से कट लगाना है, ऐसे दोनों साइड में ऐसे कट लगा देना है। तो ये छोटे साइज़ का प्याज है, आपको ज़्यादा देख के कट लगाना है, बस इस तरह से कट लगाना है ताकि जो सब्ज़ी बने अंदर तक सारे मसाले एब्जॉर्ब हो जाएं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी सब्ज़ी बनती है। तो आप एक बार नए तरीके की हरे मिर्च और प्याज और कच्चे आम की सब्ज़ी बना के देखिए। और यहाँ पर देखिए, हरी मिर्च को हम इस तरह से बीच में से कट कर देंगे, ऐसे बीच में चीरा लगा देंगे। आप चाहें तो मतलब दो टुकड़े में भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से बीच में चीरा लगा दीजिए। तो बस इस तरह से सारे हरी मिर्च को हम बीच में से कट कर लेंगे। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही चटपटी सब्ज़ी बनती है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सारे हरी मिर्च को हमने इस तरह से चीरा लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए, हरी मिर्च, प्याज और ये देखिए, ये अदरक, लहसुन और सरसों, इन सब का पेस्ट बना लिया है। और आम को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो बहुत ही यूनिक सब्ज़ी बनती है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और ये जो तेल लिया है मैंने, शुद्ध सरसों का तेल रख लिया है। और गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब तेल गरम हो गया है तो हम इसमें जीरा डालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और अब हम इसमें थोड़ा हींग डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें हींग डाल दिया है। तो अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे और हरी मिर्च डालने के बाद आप इसको भुनेंगे। तो थोड़ा सा आप इसको भुनेंगे तो जो ये हरी मिर्च का तीखापन है ख़त्म हो जाता है। बच्चे से लेके बड़े सभी खाएंगे, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे गर्मी में बना सकते हैं, सर्दी में बना सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि अगर आम नहीं है तो हम क्या डालें, तो आप वहाँ नींबू का रस डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसमें प्याज डाल दे रही हूँ और हरी मिर्च और प्याज को हम बहुत ही अच्छे से भुनेंगे। जितना अच्छा ये प्याज भुना रहेगा, उतनी अच्छी ये सब्ज़ी बनती है। तो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि प्याज और हरी मिर्च बहुत ही अच्छे से भुनना है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही चटपटी सब्ज़ी बनती है। तो गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, हाई फ्लेम पे नहीं भुनना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और फ्लेम में ये बहुत ही अच्छे से हम प्याज और हरी मिर्च को भुनेंगे। तो बहुत ही यूनिक सब्ज़ी बनती है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। रोज़ रोज़ वही सब्ज़ी खा के आदमी उब जाता है, तो कुछ नया ट्राई करना है तो आप इस तरह से हरे मिर्च, प्याज और कच्चे आम की सब्ज़ी बनाइए, बहुत ही लाजवाब बनती है। और इस सब्ज़ी को आप 2 से 3 दिन तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ और धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो ये देखिए, मैंने 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। और इसको भी हम बहुत ही अच्छे से भुनेंगे। तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो क्या होता है कि जो हरी मिर्च है काफ़ी तीखी होती है और ये प्याज जो होता है ये तीखापन कम करता है। तो बस देखिए, इसको हम 2 से 3 मिनट तक बहुत ही अच्छे से भुनेंगे। ये प्याज काफ़ी अच्छे से भुन चुकी है, लेकिन अब ये मसाला भी डाल के आपको थोड़ा 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनना है ताकि ये जो नीचे से तेल छोड़ सके। तो बस देखिए, आपको दिखने लगा होगा कि अगर इसका कलर चेंज हो गया है, यानी बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें जो अदरक, लहसुन और सरसों का जो मैंने पेस्ट बनाया है, इसको डाल देंगे।
तो बहुत लोग इसको कच्चे मसाले वाली सब्जी भी कहते हैं, तो ये बहुत ही यूनिक बनती है और इसका टेस्ट तो पूछिए मत, बहुत ही लाजवाब होता है। तो ये मसाला डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक बहुत ही अच्छे से भुनेंगे, और गैस का फ्लेम मैंने बताया कि एकदम लो रखा है, लो फ्लेम में ये सारे मसाले को भुनना है ताकि जो सारा मसाला है अच्छे से प्याज हरी मिर्च में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर आम भी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैं इसमें आम भी ऐड कर दे रही हूँ, और बहुत थोड़ा सा, इसमें पानी बहुत कम डालना है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बस इतना पानी डालना है कि ये जो मसाला है पूरा अच्छे से मिल जाए। तो बस ऊपर नीचे करके हमको बहुत ही अच्छे से पका लेना है। तो अब आप जब ये सब्ज़ी बनाएंगे और खिलाएंगे तो सारी सब्जियां छोड़ के सब इसी सब्जी को खाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनती है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत ही अच्छे से भून के रेडी हो चुका है। तो अब इसमें मैंने लाल मिर्च डाल दिया है, और 1 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। तो ये देखिए मैं 1 चम्मच गरम मसाला डाल दी हूँ, और गैस का फ्लेम मैंने बताया कि गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। लो फ्लेम में अब ये मसाला डाल के हम 1 से 2 मिनट तक और अच्छे से पकाएंगे। बहुत ही अच्छे से ये सब्ज़ी बन के रेडी हो चुका है। बस 1 से 2 मिनट जो मैंने ये गरम मसाला लास्ट में डाला है और लाल मिर्च, इसको डाल के आप बहुत ही अच्छे से पका लेंगे। तो बहुत ही शानदार सब्ज़ी बनती है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब देखिए ये सब्ज़ी आपको दिख रहा होगा, नीचे से तेल छूट चुका है, यानी कि बहुत ही अच्छे से बन चुका है। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो बस देखिए मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, और अब हम इस सब्ज़ी को निकाल लेंगे। तो इस सब्जी को अब हम प्लेट में निकाल देंगे। आप इस सब्जी को पूड़ी, पराठे, चावल, दाल के साथ खाइए, बहुत ही लाजवाब बनती है। तो ये देखिए अब हम इसको प्लेट में निकाल ले रहे हैं। हरे मिर्च, प्याज और आम की आप अक्सर अचार खाए होंगे, लेकिन आप एकदम बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी ये सब्ज़ी बनती है। तो आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही लाजवाब होती है। तो आई होप कि आपको टेस्टी, चटपटी, कच्चे आम, हरी मिर्च और प्याज की सब्ज़ी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चटपटी हरी मिर्च, प्याज और कच्चे आम की सब्ज़ी कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।